फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद में। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन का अकाउंट कैसे बनाते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। और मुझे पता है आपका समय बहुत ही कीमती है, इसलिए आपका बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा, आपको जल्द से जल्द बता देता हूं IRCTC ऐप का अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सिंपल, आपको IRCTC एप्लीकेशन को सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। और IRCTC रेल कनेक्ट ऐप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से IRCTC ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल आपको प्ले स्टोर में सर्च बॉक्स में सर्च करना है IRCTC रेल कनेक्ट, और उसके बाद आपको सर्च कर देना है। और यहाँ पर सबसे ऊपर IRCTC की ऐप आ जाएगी, IRCTC की ऑफिशियल एप्लीकेशन पर नीचे आपको यहाँ पर IRCTC ऑफिशियल लिखा हुआ दिखाई देगा, और आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। अब आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करने के बाद IRCTC एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ओपन करना है। और शुरुआत में जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर से दो बार परमिशन देनी होती है, तो हम यहाँ पर से दो परमिशन देती है। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पर एक नया अकाउंट बनाने के लिए आपको माय अकाउंट पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपने अगर IRCTC ऐप में पहले ही अकाउंट बनाया है तो आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम डालना है, और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉग इन एंड बुकिंग विद OTP पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक कर लेना है। लेकिन एक नया अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर यूजर पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है। चलिए हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, तो हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल लेते हैं। और अब हमने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल ली है। अब यहाँ पर आपको एक यूजर नेम बनाना है, यूजर नेम आपको एक यूनिक बनाना है। आपको पहले अपना नाम लिखना है, और यहाँ पर आप नाम के आगे कुछ अंक डाल सकते हैं या कोई यूनिक अक्षर लिख सकते हैं, कोई सबसे अलग अक्षर लिख सकते हैं, ताकि आपका यूजर नेम बन जाए। तो हमने यहाँ पर अपना एक यूजर नेम बनाया है। हम यहाँ पर अब नीचे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर नेम इज अवेलेबल, यानी कि जो हमने ऊपर अपना यूजर नेम लिखा है ये यूजर नेम इस वक्त अवेलेबल है। अब हमें एक पासवर्ड बनाना है। हम यहाँ पर एक ऐसा पासवर्ड बनाएंगे जो पासवर्ड यूनिक हो, और उसमें फर्स्ट के जो अक्षर हो वो कैपिटल में हो, उसके बाद कुछ अंक हो, और उसके बाद जो अक्षर हो वो दोस्तों स्मॉल में हो। आपको कुछ इस तरह अपना पासवर्ड बनाना है। और इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप IRCTC ऐप का पासवर्ड कैसे बनाए वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब जल्दी से अपना एक पासवर्ड बना लेते हैं, और हमने यहाँ पर अब अपना पासवर्ड बना लिया है। अब हम यहाँ पर यूजर नेम में नाम लिख देते हैं, और यहाँ पर मिडिल नेम दोस्तों अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल है, अगर आप ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट नेम भी यहाँ पर ऑफिशियल है, लास्ट नेम भी लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थडे जरूर डालना है, तो हम यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थडे सिलेक्ट कर लेते हैं। और हमने यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थडे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको ये सेट करना है आप मेल है या फीमेल है, या आप जिसका अकाउंट बना रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेशनैलिटी पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर देना है। जाहिर सी बात है आप इंडिया से ही होंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन चूज करना है और उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो हमने यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करके उसका आंसर दे दिया है। और नीचे के जो दो ऑप्शन है ये दोस्तों ऑफिशियल है, ये जरूरी नहीं है, तो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, तो हम यहाँ पर अपना एड्रेस डाल लेते हैं। और अब आपको यहाँ पर एक बार टिक करना है, ताकि आपको दोबारा ये एड्रेस ना डालना पड़े। और नीचे के जो दो ऑप्शन है वो दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल है, स्टेट और एरिया, ये दोस्तों ऑफिशियल है। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट कंट्री पर क्लिक करना है, यहाँ पर हम इंडिया सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है, जो आपके एरिया में पिन कोड पड़ता है आपको यहाँ पर अपना वो पिन कोड डालना है। और अब आपको यहाँ पर अपनी सिटी सेट करनी है, हमारी सिटी है देहरादून, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। और राज्य हमारा उत्तराखंड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस में अपने पोस्ट ऑफिस का एड्रेस डालना है, तो हमने यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस का एड्रेस भी डाल लिया है। अब आपको यहाँ पर फिर से अपना मोबाइल नंबर एड करना है, और अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालने के बाद, कंट्री डालने के बाद, और अपना पिन कोड डालने के बाद, और अपना सिटी डालने के बाद, राज्य डालने के बाद, और अपने पोस्ट ऑफिस का एड्रेस डालने के बाद, अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर रजिस्टर यूजर पर एक बार क्लिक करना है। और अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है, और अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपके पास एक OTP आएगा, जैसे कि मेरे पास OTP आया है 167582। तो हम यहाँ पर पहले दोबारा अपना यूजर नेम डाल लेते हैं, जो यूजर नेम हमने बनाया है, और यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डाल लेते हैं, और यहाँ पर लॉग इन एंड बुकिंग विद OTP पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक करते हैं, और हमारे पास एक OTP आया है, वो OTP हम यहाँ पर डाल लेते हैं, और अब हम यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। और अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, और आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पर पहले अपने मोबाइल नंबर पर आए हुए मैसेज देख लेते हैं। यहाँ पर IRCTC एप्लीकेशन की तरफ से हमें जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर करने के लिए एक OTP आया था, वो था यहाँ पर 167582। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए हमें 167582 OTP डालना है, और हमें अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए, जो हमें अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करने के लिए ईमेल आईडी पर एक OTP आया होगा, हम वो OTP देख लेते हैं। और यहाँ पर
ईमेल आईडी पर हमारा ओटीपी है 867285, तो हम ये ओटीपी वहाँ पर डाल देते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई यूजर पर क्लिक करना है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्सेसफुल रजिस्टर हो चुका है। अब हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर दोबारा अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। और अब हमारे पास दोबारा एक ओटीपी गया है, वो ओटीपी हमें यहाँ पर डालना है। हमारा ओटीपी है 361979। अब हम यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं और हमारी आईडी बन चुकी है। अब हमें यहाँ पर एक अपना पिन बनाना है ताकि हमें बार बार लॉगिन ना करना पड़े, तो हम इसलिए जल्दी से अपना एक पिन बना लेते हैं। और अब हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अब हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी आईडी बन चुकी है। हम यहाँ पर माई अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आईआरसीटीसी ऐप का अकाउंट बन चुका है। और यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है, लिंक यूअर आधार कार्ड। आप यहाँ पर क्लिक करके अपना नाम डालने के बाद, अपना आधार नंबर डालने के बाद और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना आधार नंबर भी रजिस्टर कर सकते हैं। और अब आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप की आईडी बन चुकी है। अब आप आसानी से रेल का टिकट बुक कर सकते हैं, प्लेन का टिकट बुक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव है आईआरसीटीसी ऐप से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।